सब्सक्राइब कीजिए आईटी इन बॉक्स चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं आईटी इन बॉक्स। मैं आपका दोस्त नासिर, आज मैं आपके लिए लेके आया जी क्यू मोबाइल का लेटेस्ट तरीन मोबाइल आया जी आई टेन दो हज़ार उन्नीस आ गया जी, लेटेस्ट वन है। और इसमें क्या क्या खास बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 8,700 रुपये में आपको बाज़ार में किसी भी शॉप से मिल जाएगा। ये मार्केट में दस्तयाब है जी, आपको 8,700 रुपये में किसी भी मार्केट से मिल जाएगा मोबाइल शॉप से। अच्छा, ये मोबाइल का कलर मुझे बड़ा पसंद आया, ये चीमी लॉन ब्लू कलर है और बहुत ज़बरदस्त कलर है जी इसका। स्लिम एंड स्मार्ट खूबसूरत मोबाइल है। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे डेली के डेली। स्पेसिफिकेशन है इसकी तमाम इसके मोबाइल के ऊपर, उसके अलावा इसके साथ क्या क्या आ रहा है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसके साथ आपको मिलती है वूफर वाली हैंड फ्री है, बहुत अच्छी हैंड फ्री डाली है इस बार इन्होंने। और ये है डेटा केबल भी आपको मिलती है, काफ़ी अच्छी डेटा केबल आपको मिल जाती है इसके साथ। और ये है अडाप्टर मिल जाता है जी, ये वाला अडाप्टर आता है जी इसके साथ। और ये बुक आती है जी इसके साथ, इसको कहते हैं मैनुअल बुक, आप इसको खोल के पढ़ें। और इसके अलावा जी ये है इसकी बैटरी, ये बैटरी है जी इसकी 2500 mAh की बैटरी है, बहुत अच्छी बैटरी दी है इन्होंने और कम प्राइस में दी है जी, 8,700 रुपये में 2500 mAh की बैटरी भी आपको मिलती है। और इसके अलावा जी इसमें जो मिलता है ना वो है कवर, सिलिकॉन कवर भी मिलता है इसके साथ, वो बहुत अच्छा कवर है जी, मैंने चेक किया है, ये वाला कवर आता है इसके साथ, बहुत अच्छा कवर आता है। ये ओप्पो वगैरह में भी आता है लेकिन अभी क्यू मोबाइल वालों ने भी देना शुरू कर दिया जी ये वाला कवर। अच्छा जी, ये तमाम चीज़ें मैं वापस रख लेता हूँ। क्यू मोबाइल का एक और मोबाइल है क्यू मोबाइल व्यू, तो उसकी वीडियो भी बहुत जल्द मैं आपको चेक करवाऊंगा, पहले मैं इसकी वीडियो चेक करवा देता हूं। इसके फ्रंट पे फ्लैश लाइट भी हैं। अच्छा, सबसे पहले स्पेक्स चेक कर लेते हैं। 5.45 इसका डिस्प्ले है, 1.3 क्वाड कोर प्रोसेसर है इसका, रैम इसकी 1 GB है, 16 GB रोम है, बैक कैमरा इसका 2 है, फ्रंट कैमरा भी इसका 2 ही है। ठीक है जी, बैटरी इसकी 2500 mAh की है, ब्लैक चिमलॉन गोल्ड चिमलॉन ब्लू कलर में दस्तयाब है जी, ये इसमें आते हैं कलर, ब्राउन कलर भी आता है इसमें, तो ये कलर आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो मोबाइल ऑन कर लेते हैं और बातें कर लेते हैं जी। नोट जो है अपना 10 वो लेट हो गया जी, वो मिलेगा अगस्त में क्योंकि उसकी डेट थी पहले 23, फिर इंक्रीज़ कर दी उन्होंने, फर्स्ट सितंबर को आपको मिलेगा। ठीक है जी, उसके अलावा जी और मॉडल्स आ रहे हैं जी काफ़ी, और हवावे के भी काफ़ी लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये मोबाइल जो उनसे है ना, ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगा है जी, खूबसूरत मोबाइल है, 5.5 इंच LCD के साथ है और ये इसका कवर है इसके साथ। और सेटिंग भी कर लेते हैं। इसके अलावा जी क्यू में और भी मॉडल्स आएंगे, सुनने में आया कि क्यू के और भी मॉडल्स आने वाले हैं जो कि एंड्रॉयड होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे, स्पेस के साथ आएंगे। और इनमें ये भी है कि लेस कम कर दी गई है क्योंकि टैक्स की वजह से लेस कम कर दी है दुकानदारों ने भी, और कंपनी वालों ने भी मैसेज कर दिया है कि इसमें लेस काफ़ी कम हुआ करेगी अब से। अच्छा, इसमें फिंगरप्रिंट भी है, फेस अनलॉक भी है, ये भी आपको मिल जाता है फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट भी। और ये 3G सपोर्टेड है जी, 3G सपोर्टेड है, 4G सपोर्टेड नहीं है। ये फ्रंट पर फ्लैश लाइट है जी इसके, और मोबाइल लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं है। उसके अलावा जी क्यों में कम प्राइस में मोबाइल निकाला है जी, 1 GB 16 GB में है और काफ़ी अच्छा मोबाइल है। और ये रही इसकी बैक लुक, फिंगरप्रिंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फिंगरप्रिंट है, बिल्कुल नाइस ज़बरदस्त कलर है इसमें नोच। अच्छा, जो क्यू मोबाइल व्यू है ना वो फर्स्ट टाइम नोच में आएगा जी, यू नोच उसमें है जो कि हवावे यूज़ करता है, आपको अक्सर पता होगा कि हवावे के मोबाइल में यू नोच आती है। और ये होम स्क्रीन आ गया जी, होम स्क्रीन चेक कर लें जी इसकी, काफ़ी ज़बरदस्त है, ब्राइट LCD है इसकी काफ़ी। अभी लाइट कम है तो लाइट इसकी इंक्रीज कर देता हूँ मैं। अच्छा, ये 3G सपोर्टेड है, एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, लोग पूछते हैं कमेंट्स में कि भाई ये 3G है कि 4G है, ये 3G है जी। इसके अलावा जी इसमें क्या क्या है वो दिखा देता हूँ मैं आपको, ये है जी इसकी अंदरूनी हालात, ये नाम है उसका ऊपर, ये देखें i10 2019 और 9.0 एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है इसका। और इसकी एक चीज़ मुझे ताज्जुब में डाल दिया था, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ थोड़ी देर बाद, ये फिंगरप्रिंट भी है इसमें, फेस अनलॉक भी होगा इसमें। और इसकी रैम कौन सी है ना, ये चीज़ ताज्जुब में डालती है जी, देखें सिर्फ 88 MB फ्री है, अभी सॉफ्टवेयर कोई नहीं किया, फेसबुक वगैरह में से इसमें प्री इंस्टॉल होता है, लेकिन 88 MB फ्री है जी सिर्फ और सिर्फ।
और मेमोरी चेक कर लें, आपके सामने ही है मेमोरी इतनी फ्री है और इतनी यूज्ड है। और क्या क्या है इसमें बाकी फ़ीचर आपको फिर कभी बताएंगे। अच्छा मैं चेक कर रहा था ये 4G है क्या नहीं, लेकिन ये 3G है, मैंने सिम डाल के भी चेक किया, ये 3G है, ये 4G नहीं है। और जी क्या रह जाता है इसमें वो भी चेक कर लेते हैं जी। बैक कैमरा जो मेन चीज़ होती है ना वो मोबाइल की, वो होती है बैक कै फ्रंट कैमरा। और कैमरा मेंशन नहीं था लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं जी रिज़ल्ट कैसा है इसका। ये जी 5 मेगापिक्सल लग रहा है जी बैक, और लेकिन 2 मेगापिक्सल है। फ्रंट भी मुझे इसका कम ही है, 2 मेगापिक्सल ही आई थिंक सो। ये फ्रंट आ गया जी, ये फ्रंट कैमरा जी, फ्रंट कैमरा भी इतना ख़ास नहीं है इसका, कैमरे के लिहाज से ये अच्छा नहीं है लेकिन बाकी चीज़ों के लिहाज से बेस्ट बनाया जी। जैसे कि इसकी मेमोरी होगी और लुक के हिसाब से मैं कहता हूँ अच्छा मोबाइल है, लेकिन रिज़ल्ट अच्छे से मुनासिब है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है ज़्यादा बुरा भी नहीं है। अच्छा जी ये है जी मोबाइल की पूरी लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मोबाइल कैसा लगा, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। मैं हूँ आपका दोस्त नासिर, अल्लाह हाफिज़ ओ नासिर।